हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, JCCB एग्ज़ाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 का जो परीक्षा पर आया था, मतलब रिजल्ट आया था, उसी के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु जो JCCB बोर्ड ने एक विशेष ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित अति आवश्यक सूचना एक यहाँ पर निकाला है। मतलब जो है स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगा झारखंड कंबाइंड का जितना भी कोर्सेज है। तो क्या है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कोर्सेज का यहाँ पे बात हो रहा है। तो जैसा कि आप नोटिस में देख पा रहे हैं कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 परीक्षाफल के आधार पर आयोजित साक्षात्कारों के उपरांत तकनीकी संस्थानों के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रिक्त बचे सीटों पर, मतलब सीट जो है बच गया है, उस पर नामांकन की अनुशंसा हेतु 14 अप्रैल 2021 से पर्षद द्वारा विशेष ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। मतलब 14 अप्रैल से, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कल से किया जाएगा। पूर्व आयोजित साक्षात्कारों से अनुशंसित एवं संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थी अगर अपने संस्थान एवं पाठ्यक्रम के पुनरावंटन हेतु इच्छुक है तो वे उक्त साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। और काउंसलिंग का यहाँ पे सारा कुछ दिया हो। वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व आयोजित साक्षात्कारों से आवंटित या अनामांकित है या किसी कारणवश साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सके हैं, मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सके हैं, और रिक्त बचे सीटों पर नामांकन के लिए इच्छुक है तो वे भी इस साक्षात्कार में जो है भाग ले सकते हैं और अपना यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसका टाइम स्केड्यूल क्या रहेगा, टाइम टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो है 14 अप्रैल 2021 से होगा, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग का वो 20 अप्रैल 2021 तक होगा। साथ ही सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग फॉर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है, और साथ ही जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट वो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच होगा। तो ये था इम्पोर्टेंट विशेष साक्षात्कार जो हो रहा है ऑनलाइन, उसी से यहाँ टाइम टेबल था। तो इसका आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से जॉइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका जो पहले विशेष राउंड काउंसलिंग हुआ था पिछला झारखंड कंबाइंड का, वो सब भी आप आई बटन से देख सकते हैं। सारा कुछ वहाँ BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वो सब फॉरेस्ट्री, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको JCCB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिस ना हो। साथ ही यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान या संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार जो है पर्षद के वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन एग्रीकल्चर एंड अदर कोर्सेज 2020 पे लिंक पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का आपको भरना है, मतलब चॉइस फिलिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है। साथ ही यहाँ पे एक दिया हुआ है कि नामांकन जो है अभ्यर्थियों को विशेष साक्षात्कार में कोई संस्थान या पाठ्यक्रम पुनरावंटन होता है तो पूर्व आवंटित संस्थान या पाठ्यक्रम में उनका नामांकन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट पहले का काउंसलिंग में जो एग्रीकल्चर ये सब में जो पहले एडमिशन करा चुके हैं वो लोग फिर इसमें अगर शामिल हो रहे हैं, और इसमें अगर कोई जो अगर ब्रांच या कोई कॉलेज आपको सीट अलॉट होता है तो आपको जो पहले वाला था वो ऑटोमेटिक जो है रद्द हो जाएगा, और अभी जो लेटेस्ट मिलेगा उसमें आपको एडमिशन कराना अनिवार्य होगा। इसीलिए आप सोच समझ कर काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो पहले एडमिशन करा लिए वो स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। साथ ही यहाँ पे है निःशक्त जनों के लिए आरक्षित जो है सीटों के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटें रिक्त रह जाती है तो उसे संबंधित कोटियों में समायोजित कर दी जाएगी। मतलब जैसे फिजिकल का भी जो हैंडीकैप रहता है, PH कोटा, वो सब में कुछ कुछ सीट रहता है, लेकिन वो सब जो है स्टूडेंट नहीं रहता है इसलिए उनको जनरल का सीट यहाँ पे मानकर उनको भर दिया जाता है। साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप की संयुक्त मेधा सूची PCMB मेधा सूची के आधार पर की जाती है, जिसमें दोनों ग्रुप के अभ्यर्थी जो है मेधा अनुसार शामिल रहते हैं। और इसका काउंसलिंग फी क्या रहेगा, साक्षात्कार शुल्क, तो अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा आप जो है भुगतान कर सकते हैं। याद रखिएगा जो डेबिट कार्ड रहेगा वो आपका वीज़ा का नहीं होना चाहिए, वो आपका रुपए डेबिट कार्ड होना चाहिए, तब जाके आपका पेमेंट होगा साक्षात्कार के लिए। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के लिए EWS, BC1, BC2 के लिए काउंसलिंग फी 400 रुपया है, और SC ST और जितना भी फीमेल कैटेगरी है ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए 250 रुपया है। तो ये था स्पेशल काउंसलिंग झारखंड कंबाइंड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये सब के लिए। तो जो स्टूडेंट भरे होंगे फॉर्म आपके दोस्त को शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोगों को पता चल जाएगा कि एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग 14 तारीख से होने जा रहा है, 14 अप्रैल से, और सारा कुछ टाइम टेबल मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।